प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आपको संस्कृत में एक चैप्टर पढ़ा चुका हूं, उसके बाद जो पार्ट है 21 वो मैं आपको बता रहा था। मैं आपको बताया था कि इस पार्ट का शीर्षक सुक्ति सप्तकम है, इसका क्या अर्थ है। सुक्ति का अर्थ हुआ सुक्ति, उक्ति मतलब कथन, कही गई बात, अच्छी बात। सुक्ति का अर्थ हुआ सप्तकम मतलब सात। इस पाठ में सात श्लोक के माध्यम से सात अच्छी बात बताई गई, इसीलिए इस पाठ का शीर्षक हुआ सुक्ति सप्तकम, जिसमें मैंने पहला श्लोक बताया था जो उसमें अच्छी बात कही गई थी, जिसको मैं संक्षेप में आपको बता रहा हूं। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम्, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम् करिष्यति। यस्य नास्ति, जिसको नहीं है, स्वयं मतलब खुद, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, बुद्धि मतलब विवेक, प्रज्ञा और बुद्धि में थोड़ा फर्क है। बुद्धि जो तर्क वितर्क करती है, लाभ हानि मान अपमान का जो ख्याल रखती है बुद्धि, लेकिन विवेक हुआ जो ठीक को ठीक और गलत को गलत के तरह देखे, और जो उचित अनुचित का ठीक ठीक निर्णय कर ले, ऐसी बुद्धि को हम कहते हैं विवेक। जिसको अपनी बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, शास्त्रम तस्य करोति किम्, उसके लिए शास्त्र क्या करेगा, यानी उसके लिए शास्त्र व्यर्थ है जिसको अपनी बुद्धि नहीं है। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति। जिस प्रकार लोचन से हीन अर्थात अंधा, लोचन मतलब आंख से हीन मतलब अंधा, उसके लिए दर्पण किम करिष्यति, आईना क्या करेगा। जिस प्रकार अंधे के लिए आईना व्यर्थ है, दर्पण व्यर्थ है, उसी प्रकार बिना बुद्धि के सभी सास व्यर्थ हैं, बेकार। यहां आंख की तुलना, आंख की तुलना विवेक से की गई, बुद्धि से की गई, और शास्त्र दर्पण की तुलना शास्त्र से की गई, शास्त्र शास्त्र की तुलना दर्पण से की गई, और बुद्धि की तुलना आंख से की गई। दूसरा है अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायसो बलम्। जो अभिवादनशील है, जो अभिवादन में लगा हुआ है, जो शिष्टाचारशील है, जो यथायोग्य बड़ों का छोटों का आदर करता है, नित्यं वृद्धोपसेविनः, और रोज प्रत्येक दिन बड़ों का आदर करता है, उनकी सेवा करता है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसके चार बढ़ते, आयु विद्या यश और बल। जो शिष्टाचारवान है, जो अभिवादनशील है, जो नित्य बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है, आदर करता है, उसके नित्य चार बढ़ते हैं, उसकी उम्र बढ़ती है, उसकी विद्या बढ़ती है, उसका नाम होता है, यश होता है, और हर तरह से उसका बल बढ़ता है। तीसरा है नास्ति लोभ समो व्याधि, नास्ति क्रोध समो रिपुः, नास्ति दारिद्र्य वद दुखम, नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। नास्ति लोभ समो व्याधि, लोभ के समान बड़ा रोग नहीं। नास्ति क्रोध समो रिपुः, रिपु मतलब शत्रु, क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है, यानी सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है, आवेश, गुस्सा है। नास्ति दारिद्र्य वद दुखम, और गरीबी से के समान कोई दुख नहीं है, अर्थात सबसे बड़ा दुख गरीबी है। नास्ति ज्ञानात् परम सुखम, और ज्ञान के समान बड़ा, ज्ञान के समान कोई सुख नहीं है, यानी सबसे बड़ा सुख ज्ञान। तो इसमें सबसे बड़ा लोभ बताया गया, सबसे बड़ा रोग बताया गया लोभ को, सबसे बड़ा शत्रु बताया गया क्रोध को, और सबसे बड़ा दुख बताया गया
गरीबी को और सबसे बड़ा सुख बताया गया ज्ञान। कहने का अर्थ हुआ यदि हमको सुख चाहिए तो ज्ञान हमको अर्जन करना चाहिए, ज्ञान अर्जन करना चाहिए लोभ और क्रोध को छोड़कर। यदि हम ज्ञान अर्जन करते हैं तो हम ज्ञानी बनेंगे, तो फिर हम गरीब भी नहीं रहेंगे। तो सबसे बड़ा दुख है गरीबी। तो धन का और ज्ञान का संचय लोभ और क्रोध छोड़कर करना चाहिए, इसका भाव हुआ। यहां तक हम बताए थे, अब चौथा आगे हम बता रहे हैं। आलस्यम ही मनुष्यानाम सरिष्ठो महान रिपु ना अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वायम नावसी दति। आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थ, मनुष्यानाम शरीरस्थो, मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य ही महान रिपु, रिपु मतलब शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु हमारे शरीर में स्थित। जो भी शत्रु है वह तो हमारे बाहर है, शरीर के बाहर है, जिसको हम शत्रु मानते हैं किसी अन्य व्यक्ति को या किसी जीव को, जो हमको हानि पहुंचा सकता है या पहुंचाने की है संभावना है, जिसमें हम ऐसा मानते हैं उसको शत्रु मानते हैं। तो शरीर से बाहर है वो, लेकिन शरीर के अंदर जो शत्रु स्थित है उसको कहा जा रहा है आलस्य। आलस्य क्या है? वह अकर्मण्य स्थिति है हमारी शारीरिक स्थिति, जिस स्थिति में हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, इस शरीर से कुछ करना नहीं चाहते हैं, इस शरीर को केवल हम आराम पहुंचाना चाहते हैं, ऐसी शारीरिक स्थिति को हम कहते हैं आलस्य। तो यह आलस्य ही हमारे शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है, मनुष्य के शरीर में स्थित यह महान शत्रु है। और इस शरीर का सबसे बड़ा मित्र कौन है? न अस्ति उद्यम समो बंधु, यानी उद्यम के समान, मेहनत के समान, परिश्रम के समान कोई हमारा मित्र नहीं है। यानी सबसे बड़ा हमारे इस शरीर का मित्र कोई है तो वह उद्यम परिश्रम है। कृत्वा यम नावसी दति, जिस उद्यम को करके, कृत्वा मतलब करके, जिस उद्यम को करके हम कभी दुखी नहीं होते। मेहनत करने वाला कभी दुखी नहीं होता। शरीर से जो मेहनत करता है, विद्वान नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन वह कभी दुखी नहीं रहे। तो जिस उद्यम को करके हम कभी दुख नहीं पाते हैं, उस उद्यम के समान हमारा कोई बंधु नहीं है, मित्र नहीं है। और इस शरीर का सबसे बड़ा शत्रु आलस है, जो हमारे शरीर में ही स्थित। तो हमारे शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु आलस है, और हमारे शरीर में स्थित सबसे बड़ा बंधु मित्र हमारी मेहनत है, हमारा उद्यम है। अर्थात आलस छोड़कर हमेशा उद्यम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। फिर पांचवा है, हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम, कंठस्य भूषणम श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम भूषणे किम प्रयोजनम। कहा गया कि भूषण का अर्थ हुआ अलंकार, गहना, जिसको पहनकर हम उन अंगों की शोभा बढ़ाते हैं, सुंदरता बढ़ाते हैं। तो कहा गया आभूषण पहनने की जरूरत क्या है? यदि हम उन अंगों का सदुपयोग करते हैं, उन अंगों से अच्छा काम करते हैं, तो वही उस अंग की सबसे बड़ी सुंदरता है। यदि हम उन अंगों में आभूषण पहनते हैं, अलंकार गहना पहनते हैं, लेकिन उन अंगों से हम गलत कार्य करते हैं, उन अंगों का हम गलत उपयोग, उसका दुरुपयोग करते हैं, तो गहना पहनना, अलंकार भूषण पहनना, उसको सजाना भी व्यर्थ। सबसे बड़ी सुंदरता हमारे अंगों की यही है कि हम उन अंगों का सदुपयोग करें। इसलिए हस्तस्य भूषणम दानम, हाथ की शोभा क्या है? हाथ की सुंदरता है दान करना। सत्यम कंठस्य भूषणम, और इस कंठ की, कंठ में गहना पहनते हैं, हाथ में गहना पहनते हैं, तो हाथ का गहना है, हाथ की सुंदरता है दान देना, मदद मदद
जिसको चाहिए उसकी सहायता करना, उसको मदद करना, ये हाथ का आभूषण है, हाथ की सुंदरता है। सत्य बोलना, प्रिय बोलना, ये हमारे कंठ की सुंदरता है। हम कंठ में गाना पहनते हैं तो कंठ की सुंदरता बढ़ाने के लिए, लेकिन कंठ की सुंदरता सत्य बोलना और प्रिय बोलना है। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, कान की सुंदरता क्या है, कान में भी गाना पहनते हैं तो कान की सुंदरता है कान से शास्त्र वचनों को सुनना, अर्थात अच्छी बातों को, ज्ञान की बातों को सुनना, ये कान की सुंदरता है। इसलिए भूषण किम प्रयोजन, इसलिए आभूषण की आवश्यकता क्या है, इसके बाद आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।